हेलो जी अगर आप गलती से या फिर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो थोड़ा मेरे बारे जान लेते हैं मेरा नाम राहुल राजा एंड आई एम डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड और मेरी ब्रांच ई e. है एंड आई एम जस्ट अबाउट टू पास आउट आई मीन टू से आई एम इन फाइनल ईयर एंड रिसेंटली आई बैक एन ऑफर फ्रॉम थ्री कंपनीज दैट इज टी विप्रो एंड वन ऑफ़ द कोर कंपनीज दैट यूजली कम्स इन माई कॉलेज फ्रॉम माई ब्रांच सेक्शन दैट इज़ ए डिज़ाइन क्योंकि मेरी ब्रांच ई है और आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में एज यू हर्ड फ्रॉम द टाइटल कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर द थर्ड टायर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स गाइज बिलीव मी कि अगर आप किसी आई से है या एन से या बड़े प्राइवेट कॉलेज से है तो आपके लिए जो प्रोसेस है ना वो बहुत इजी हो जाता है वाई वाई आई एम सेइंग सो बिकॉज कंपनीज आएंगी आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेगी आपको अच्छी स्टेपमेंट पे करेगी एंड जस्ट यू नीड टू सिट यू नीड टू क्रैक द एग्जाम्स एंड इफ यू डू सो देन कैन इजली गो टू द कंपनी एंड डू द वर्क एंड गेट अ काइंड ऑफ ए स्टेपमेंट एंड काइंड ऑफ का एक्सपीरियंस टू इफ यू आर फ्रॉम अ थर्ड टायर इंजीनियरिंग कॉलेज और अ नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज तो उस तरीके में क्या होती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटीज एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपनी को showcase करने के लिए ठीक है तब क्या हो पाता है 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 कि अगर आपके पास उसके बावजूद भी आप अच्छी से नहीं नहीं कर कर पाओगे पाओगे और और अपनी जो resume होती है, उसमें एक अच्छा को ठीक उससे क्या होगा कि गुड बिकॉज इंटर्नशिप से तो पक्का सवाल होने ही वाले इन टेल यू सब अपॉर्चुनिटीज गुड really जो आप में तो इन फ्यूचरिटी तो आज हूं प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच दिस दाकि ना आप अवेयर हो जाओ क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो है ना इंटर्नशिप की वो अभी पीक पे है, और अभी सीजन भी इंटर्नशिप की आने वाली है ओके सो फर्स्टली थोड़ा सा डिस्कस ये करते हैं कि इंटेंसिव होती क्या है ओके इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ ए गाय हु डोंट नो की व्हाट इज इंटेंसिव तो एक शॉर्ट सिनॉप्सिस में बात करते हैं इंटेंसिव बेसिकली एक ट्रेड ऑफ होती है कि आप कंपनीज में जाते हो और कंपनीज के कुछ प्रोजेक्ट में अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते हो काम करते हो और इन द रिटर्न ऑफ दैट कंपनीज आपको कुछ स्टेपेंट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे करती है और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप इन फ्यूचर अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो या फिर अपने टैलेंट और स्किल सेट में शोकेस करते हो इन फ्यूचर टू गेट अ काइंड ऑफ ए जॉब

या फिर इल्डर ब्रदर्स या फिर सिस्टर या कुछ ऐसे सीनियर्स होंगे जो किसी अच्छे जगह पे प्लेस होंगे अच्छे जगह इट मीन अ प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड और एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप तो आपको क्या करना है जस्ट जब भी आपकी इंटर्नशिप की डेट आ जाए या फिर समय आने वाला जस्ट यू नीड टू पिंग दैट गाय कि या आई वॉन्ट अ काइंड ऑफ रेफरल ऑन योर कंपनी सो आई कैन डू ए काइंड ऑफ इंटर्नशिप फ्रॉम दैट तो उस तरीके में क्या होगा कि आपके जो भी रिलेटिव होंगे ही और सी विल पुट योर काइंड ऑफ डिटेल्स योर काइंड ऑफ टू द रिस्पेक्टिव HRs of the companies, okay, and according to your uh, skill set and according to the company's requirement, the HRs will contact you, okay. And he or she will uh, kind of a you know, kind of a recruitment or kind of your interviews, or kind of your test as a And if you pass these kinds of a test or recruitment or interviews, though uh, respective HRs have a power to you know kind of a recruit you and will uh, he or she will also pay you, but kind of a paying thing is a kind of a variable, it depend upon in the companies to companies, but yeah, in रिटर्न डिसेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर से आप अगर इस तरीके से इंटर्नशिप कर लेते हो बाई मीन ऑफ रेफ तो बिलीव मी की आपकी रिज्यूमे में बहुत अच्छी इमेज सोकेस you know, करने वाली पुट यू नेक्स्टा एज टू गेट अ प्लेसमेंट पॉइंट नंबर वन सबसेक्शन टू तो इन फर्स्ट सबसेक्शन आई टोल्ड यू दैट नीड अ पर्सन टू डू द इंटर्नशिप बिकॉज वो आपको रेफरल करेंगे लेटर सपोज ये सिचुएशन वेर यू डोंट हैवे अ काइंड ऑफ ए पर्सन इन योर बिलोंगिंग्स जो किसी अच्छी जगह पर प्लेस है तो यार मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए आपको मैं जैसा बोलता हूँ आप बस वह करते रहो यू फाइंड अ काइंड ऑफ ए गुड अपॉर्चुनिटी ओके तो यहाँ पे आई थिंक यू ऑल गाइज अवेयर फ्रॉम ऐप कॉल लिंकड इन यहाँ पर क्या करना है कि जस्ट यू नीड टू डाउनलोड दैट ऐप एंड इफ यू स्टिल हैव दैन प्लीज़ फॉलो मी ऑन द लिंकड इन मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ पे क्या करना है ना कि पहले आपको उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक अच्छा सा आपको सी वी बनाना है. एक अच्छा सा सी इट मींस दैट कि आपको अपनी जो भी स्किल सेट है उसको बहुत अच्छे से अरेंज करना है और ऐसी सी बनानी है जिसे फर्स्ट इंप्रेशन में भी कोई कोई देख कर क्या हो कि इंप्रेस हो जाए ओके बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके पास स्किल बहुत होती है बट आप एक सीवी में उसे एक अच्छे वे में अरेंज नहीं कर पाते हो उसके बाद क्या करना है कि आपको डिफरेंट कंपनीज़ की जो एच है उसे फॉलो करना है एंड बिलीव मी कि जब आप ऐसा करोगे तो यू फाइंड की जो आपकी पोस्ट है आपकी जो लिंकड की पोस्ट वाली जो सेक्शन होगी वेयर यू फाइंड अ लॉर्ड्स ऑफ ए काइंड ऑफ ए पोस्ट फ्रॉम डिफरेंट एच दैट की बहुत से कंपनीज के आचार ये पोस्ट करेंगे कि वी नीड ए काइंड ऑफ ए कैंडिडेट फॉर डूइंग दिस फॉर वेब डेवलपमेंट फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट फॉर दिस एंड फॉर दैट ओके तो अगर आपकी स्किल सेट उस एच आर की स्किल सेट से मैच करती है तो जस्ट आपको उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाना एंड जस्ट यू नीड टू टैप आई एम इंटरेस्टेड एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पुट द लिंक ऑफ यूर सीवी एंड लेटर ऑन आफ्टर टू और स्किल सेट है उससे मैच कर जाती है तो एचआर मैसेज यू ऑन द लिंक और अगर आपकी जो फोन नंबर रिज्यूमे में तो ही और सी विल डेफिनेटली विल कॉन्टेक्ट यू दिस इज द कांड ऑफ ए निजा है ए माई टाइम ओके और आप एक चीज और कर सकते हो कि आप लिंक को थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे एक जहां पर आप डायरेक्टली कर, कर, अप्लाई कर सकते हो किसी टाइप की आप हो या फिर इंटर्नशिप हो या किसी टाइप ऑफ वर्क फ्रॉम होम की okay? तो वहां पर जस्ट यूनिट टू अप्लाई करना है और आपकी जो सीवी है वो रिक्वायर्ड एचआर या फिर कंपनी के पास चली जाएगी तो यार दो हैक मैं आपको बता रहा हूं इस दोनों तरीके से आप प्लीज बिलीव मी किसी भी अच्छी जगह पर आप इंटर्नशिप कर सकते हो यू हैव द स्किल सेट ओके एंड लेटर सब सपोज कि आपकी किस्मत मतलब एकदम बैड लक है काइंड ऑफ ए मी ओके बैड लक है तब आप क्या करोगे मैं मान लेता हूँ कि मेरी फर्स्ट सेक्शन भी फॉल्स हो गई सेकेंड सब सेक्शन में भी आप मतलब नहीं कर पाए तब क्या यार मैं हूँ बताने के लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है ओके okay? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ने जो सीवी बनाया था लिंकड के समय बस वही सी वी पर स्टिक रखना है मतलब यू नो बिलीव इन द प्रोसेस मतलब सी बना लिया आपने अच्छा आपको सी वी देख के ऐसा मतलब वाइब्स आ रहा है कि यार मेरी सी वी बहुत अच्छी है नो वन वन है रिजेक्ट मी ओके बट बैड लक की तो कोई बात ही नहीं करता हूँ मैं ओके बैड लक किसी के साथ भी हो सकती है okay? ओके उसके बाद क्या करना है कि आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो जॉब पोर्टल्स होते हैं काइंड ऑफ ए नौकरी डॉट कॉम मैक इंटर्न डॉट कॉम और काइंड ऑफ ए जितने भी जॉब पोर्टल होते हैं वहाँ पर आपको अपनी सी को प्लेस करनी है और आपकी जो भी स्किल सेट है उससे वहाँ पर लिखना है ओके okay, उसके बाद क्या होता है कि उस तरीके की जॉब पोर्टल में डिफरेंट जो एच होते हैं कंपनीज़ की या इधर स्टार्टअप्स की या जिसे नीड होती है किसी काइंड ऑफ टेक्निकल वर्क की वो क्या करते हैं कि एक्सप्लोर करते रहते हैं इफ़ ही और विल फाइंड दैट कि यह आपकी जो स्किल सेट है वो उस स्किल सेट कंपनीज़ की मैच कर रही है उसे उसकी ज़रूरत को मैच कर रही है तो आपको पक्का मैं बिलीव के साथ बताता हूँ कि चौबीस घंटे के अंदर ही कॉल आने वाली है कि या वी आर गोइंग टू हायर यू एंड फॉर देट नीड टू पास अ काइंड ऑफ इंटरव्यू काइंड ऑफ दैट मतलब वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे एंड लेटर ऑन द जो प्रोसेस प्रोसेस वो टोटली आपके ऊपर है कि हाउ यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज मतलब प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जस्ट आपको यू नो एक्सेल करना है ओके okay? अब पॉइंट नंबर वन सब सेक्शन फोर लास्ट बट नॉट द लिस्ट मान लेती है कि यार किस्मत एकदम बैड लक है मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मेरे लिए यू नो काइंड ऑफ सक्सेसफुल नहीं हो रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब समझ रहे हो ना तो उस मोमेंट पे क्या करना है उस मोमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ काइंड ऑफ रीजनल प्लेसेस मैं आपको फिर से बताऊँ कि देर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज और प्लेसेस इन द इंटरनेट और काइंड ऑफ यू नो इन योर लोकेलिटी विच ऑफर यू काइंड ऑफ ए वेरी गुड इंटर्नशिप बट इन ट्रेड ऑफ दे टेक काइंड ऑफ ए मनी फ्रॉम यू मैंने आपको जितनी भी तीन सेक्शन अभी मैंने बताया उन तीनों सेक्शन में आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है मैं पहले फर्स्ट सेक्शन में जो बताया उसमें अगर आपने अच्छा काम करते हो तो कंपनी विल पे यू सेकेंड सेक्शन में भी बताया लिंकड इन उसमें भी कंपनी विल पे यू अगर अच्छा काम करते हो थर्ड सेक्शन में भी बताया तो कंपनी विल पे यू अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स बट मैं फोर्थ सेक्शन में किया है यू हैव टू पे टू द कंपनी और यू रीजनल प्लेस लाइक ऑटो क्लस्टर या फिर आपकी रीजनल प्लेस में कोई भी अगर कोई कंपनीज या फिर कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है तो उन लोगों की जो इंटर्नशिप की क्वालिटी होती है वो बिलीव में बहुत अच्छी होती है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं और एट द एंड वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं ओके बट या यू नीड टू पे फॉर दैट बट ये भी अपॉर्चुनिटीज मुझे अच्छी लगती है बट या yeah, मैं आपको ये बोलूँगा कि इसे आप एक लास्ट अपॉर्चुनिटी रखो इतना ही बताना था ओके एंड यू कैन थैंक मी सूनर और लेटर बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल प्लीज़ शेयर दिस वीडियो योर कलीग्स एंड योर स्कूल एंड स्कूल कॉलेज मेट्स सो लिटिल बिट मेरी भी हेल्प हो जाए और अभी मैं लंच करने जाऊंगा और अभी तीन बजकर बयालीस मिनट हो रहे हैं सोचो यार मैं कितना सोचता हूं आपके बारे में बट इन रिटर्न आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते थे यार क्या कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो की टारगेट रखिए मैंने एटलीस्ट ट्वेंटी लाइक्स ओके एंड आई नो इट्स अ वेरी 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 स्मॉल नंबर माइन्यूट नंबर सो गो एंड लाइक भी कर देना एंड इफ़ यू लिटरली वो है कर ही देना ओके बाय पीस और मेरी हुडी अच्छी लग रही है ना नो